चकवेझो फुर दौरान मज़ामत करते हथियारबंदन की फायरिंग में गोरारी नारी कत्ल थी वही एक जणो जख्मी थी पयो आहे। भरकण गोठ भरसा हथियारबंदन की फायरिंग में 27 महरन की तोता जाल जमाल भरण जतोई मारजी वही। हथियारबंदन की फायरिंग में सादिक अली भरण जतोई जख्मी थी पयो आहे। फायरिंग जो वाकियो पेश आयो आहे शिकारपुर जिले के चकवेझो जिते गोठ भरकण में हथियारबंदन फायरिंग करे डिनी जे नतीजे में 27 वरन जी गोरारी नारी तोता जाल जमाल भरण जतोई मारजी वही। हथियारबंदन की फायरिंग में सादिक अली भरण जतोई जख्मी थी पयो। चकवेझो फुर दौरान मज़ामत करते हथियारबंदन फायरिंग करे डिनी। फायरिंग के नतीजे में गोरारी नारी कतल थी वही है एक जणो जख्मी थो है। चकवेझो फुर दौरान मज़ामत करते हथियारबंदन फायरिंग करे डिनी जे नतीजे में गोरारी नारी कतल थी वही है एक जणो जख्मी थी पयो है। आज़ाद अनवर महर का तफसील मालूम क्यों था। आज़ाद अनवर जख्मी की हालत की भी बुधाई वने पुलिस का कार्रवाई कई जवाबदार खिलाफ हथियारबंदन पारा फुर की कोशिश दौरान मज़ामत गोरारी औरत मारी वही है। चकल बिरकण गोठ भरसा फुर जो अफसोसनाक वाक्य पेश आयो है जैमें फुर की कोशिश दौरान फोरन सा मज़ामत वेम लाए वेंदड़ 27 साल गोरारी औरत मुस्मात तोता साल जमालदीन भुर जतोई मौके से मार वही है। जैसे औरत से गड वेंदड़ नौजवान सादिक अली भुर जतोई सख्त जख्मी थी पो है जैसे अस्पताल मुंतकिल किया। चक पुलिस गोठ घणगाई महर से चढ़ाई कर परियल महर से चढ़ाई कर 8 मीह काए ढक हवाले कर छो है। जी आजाद अनवर मेहरबानी तफसील लेने के लिए। शिकारपुर जिले के चकवेझो गोठ भरकण में हथियारबंदन फायरिंग के डनी फिर जी वारदात